सब्र रख तेरी कदर उसे वक्त बताएगा। एक अति सुंदर होने के कारण सीता जी का हरण हुआ, अति अहंकारी होने के कारण रावण का वध हुआ और अति दानवीर होने के कारण राजा बलि का सब कुछ खत्म हो गया। इसलिए हमेशा याद रखिए कि किसी भी चीज की अति सही नहीं होती। दो समझदार इंसान वो नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे। समझदार इंसान वह है जो उस फेंकी हुई ईंट से अपना आशियाना बना ले। तीन, अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदलेगा तो आप आईने में देखिए, क्योंकि आपके अलावा इस दुनिया का कोई भी इंसान आपकी जिंदगी नहीं बदल सकता। चार, हिम्मत मत खोना मेरे दोस्त, क्योंकि अभी बहुत दूर जाना है। जिसने कहा था तेरे बस का नहीं, उन्हें भी कुछ करके दिखाना है। पाँच, मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह होती है। लिफ्ट कभी भी बंद हो सकती है लेकिन सीढ़ियाँ हमेशा ऊंचाई की ओर जाती है। छह, जिन्होंने मुझे ठुकरा दिया मेरा वक्त देखकर, मैं कसम खाता हूँ एक दिन ऐसा वक्त लाऊंगा कि मुझसे मिलना पड़ेगा उन्हें वक्त देकर। सात, ना यार बड़ा ना प्यार बड़ा, जरूरत के समय जो काम आए वह इंसान बड़ा। आठ, इंसान का असली चरित्र तब सामने आता है जब वह नशे में होता है। चाहे वह नशा शराब का हो, पैसे का हो, पद का हो या रूप का हो। नौ, देर से बनो लेकिन जिंदगी में कुछ बनो जरूर, क्योंकि समय के साथ जमाना खैरियत नहीं हैसियत पूछता है। दस, अगर आप जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो तीन चीजें सबसे ज्यादा जरूरी हैं, लक्ष्य कठिन परिश्रम और धैर्य। ग्यारह, बुद्धिमान इंसान कभी भी इतिहास नहीं रचा करते, इतिहास रचने के लिए थोड़ा सा पागल बनना पड़ता है। बारह, अगर आपको लगता है कि आपका कोई भी दुश्मन नहीं है तो थोड़ा सा कामयाब होकर देखिए आपके सामने दुश्मनों की कितनी बड़ी फौज तैयार हो जाएगी। तेरह, जिस प्रकार पतझड़ के बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं उगते, उसी तरह कठिनाई और संघर्षों के बिना किसी के भी अच्छे दिन नहीं आते। चौदह, किसी ने क्या खूब पूछा कि जब भगवान हर जगह है तो मंदिर क्यों जाते हो, तो मैंने जवाब दिया जब किताबों में ही सब कुछ है तो स्कूल क्यों जाते हो। अगर इस वीडियो से आपकी लाइफ में 1% भी वैल्यू ऐड होती है तो आप भी मेरी लाइफ में 1% वैल्यू ऐड कर दीजिए। आपका सब्सक्राइब करना मेरी लाइफ